झांसी में खनन माफिया ग्रामीणों के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। आलम यह है कि अवैध खनन और गरोठा तहसील क्षेत्र के एक दर्जन से ज्यादा ग्रामीण इलाके के लोग दहशत में। ब्लास्टिंग करने वाले अवैध कारोबारी मात्रा से अधिक विस्फोटक सामग्री का उपयोग कर जिला प्रशासन और खनन विभाग के आदेशों को ठेंगा दिखा रहे हैं। खुलेआम हो रही ब्लास्टिंग के बाद गिरने वाले पत्थरों से बेजुबान जानवर तो मर ही रहे हैं, इसके साथ ही गांव के लोग भी घायल हो रहे हैं। और ये सब होने के बाद भी जिले में बैठे जिम्मेदार जिलेलाही मौन हैं। क्या नाम है अम्मा आपका है? नाम का है नन्नी। कितने की रहने वाली हो? इतनी चौकरी के। चौकरी के क्या समस्या है आपकी? आपकी क्या समस्या है कि पत्थर आते हैं हमारे घरे। हाँ। तो बूढ़े आदमी हैं हम। हाँ। भगनी पाव टट्टी खा जा सुबह धमकी दे के ना कनाव के काफी तुम भगो के ना भगो। कहाँ से आते पत्थर? माँ से आओ तो उनकी अब हमें खदान को नाव नहीं आ रहा। अच्छा तो क्या ये ब्लास्टिंग वगैरह होती है यहाँ पर? हाँ ब्लास्टिंग हो क्रेशर वगैरह से। क्रेशर पे होते है। पता नहीं है किसकी खदान है? उनकी है अब हम उनको नाव नहीं आ रहा बता। मामला गरोठा तहसील क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले नुनार चौकरी खैरो सिरवो हैवतपुरा चंद्रपुरा आदि दर्जनों ग्रामीण इलाकों का है। पूरे जिले में गरोठा तहसील क्रेशरों का हब माना जाता है। तहसील क्षेत्र में दर्जनों की संख्या में क्रेशर मौजूद हैं, जहां से निर्धारित मात्रा से ज्यादा पत्थरों का खनन किया जा रहा है। इसके साथ ही विस्फोट के लिए प्रयोग किए जाने वाली विस्फोटक सामग्री भी निर्धारित मात्रा से कहीं अधिक गुना प्रयोग की जा रही है, जिससे आसपास के ग्रामीण इलाकों पर सीधा असर पड़ रहा है। ग्रामीणों की माने तो कुछ क्रेशर वाले खनिज विभाग के जिलेलाही के आशीर्वाद से खदान के पट्टे से अतिरिक्त जगह से खनन कर रही है। जिले में सबसे ज्यादा अपने कारनामों से सुर्खियों में रहने वाले गरोठा तहसील क्षेत्र के हरिलीला स्टोन क्रेशर की शिकायतों का दौर आम बात है, क्योंकि इनके कारनामे भी आम है। ग्रामीण संपूर्ण समाधान दिवस में जिलाधिकारी को भी शिकायत कर चुके हैं, बावजूद इसके जिम्मेदार अधिकारियों की उदासीनता के कारण स्टोन क्रेशर का मालिक निर्धारित मात्रा से अधिक मात्रा में विस्फोट सामग्री का उपयोग कर रहा है, जिससे बड़े बड़े पत्थर उछलकर ग्रामीणों के घरों में गिर रहे हैं। कई बार लोग इससे चोटिल हो चुके हैं। इस भयानक विस्फोट के बाद आसपास के बने कई मकान हिल चुके हैं। पशु पक्षी भी इस विस्फोट के शिकार हो चुके हैं। बीते दिनों एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें विस्फोट से घबराकर एक गाय गहरी खाई में जा गिरी। पुलिस की मदद से गाय को बचाया गया था। साथ ही खदान में हुए विस्फोट के बाद पासी में मौजूद मंदिर की छत भी क्षतिग्रस्त हो गई है। क्षतिग्रस्त होने के कारण मंदिर में मौजूद भीड़ के बीच में भगदड़ मच गई थी। फिलहाल प्रशासन की उदासीनता एक बड़े हादसे को यहां दावत दे रही है। क्या नाम है दादा? चिंतामन। कहां के निवासी हो? चौकरी। क्या समस्या है आपकी? पत्थर आए साहब। कहां से आते हैं पत्थर? बता दो। हरी लीला। नहीं कहां से? खदान से आते हैं? किससे आते हैं? खदान से। हाँ तो इससे क्या समस्या होती है आपको? घर मकान फूटा तो क्या होते हैं? खाना तो खानी पड़ता है। खाना खा पाए सब्जी अब्जी में ब्लास्टिंग। गांव वालों ने किसी ने शिकायत की है उसकी? शिकायत की गांव वालों ने? नहीं करी। गांव वालों ने करी शिकायत। कोनो कार्रवाई भाई नहीं हुई अभी तक? कोई कार्रवाई हुई नहीं हुई? हमारी नहीं। झांसी में पत्थर का अवैध खनन चरम सीमा पर है। आपको बता दें कि पहाड़ों को विस्फोट के माध्यम से तोड़कर बड़े पैमाने पर खनन किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात, निर्धारित मात्रा से अधिक क्रेशर मालिक विस्फोट सामग्री का प्रयोग कर रहे हैं, जिस कारण से आसपास के ग्रामीण इलाकों के मकान से लेकर कई मंदिर मस्जिदों तकों में दरारें आ गई हैं। आपको बता दें कि सबसे बड़ी बात, जिले के में गरोठा तहसील है जो विस्फोट जहां पर सबसे ज़्यादा विस्फोट किया जाता है, सबसे ज़्यादा क्रेशरों का हब माना जाता है, जहां लगातार खनन किया जा रहा है। ग्रामीण इसकी शिकायत कर चुके हैं, क्योंकि ग्रामीण आपको बता दें कि पास में ही लगे ग्रामीण इलाकों में इस विस्फोट के बाद बड़े बड़े पत्थर गिरते हैं, कई ग्रामीण घायल हो जाते हैं, यहाँ तक कि कई बेजुबान पशुओं की मौत तक हो चुकी है, जिससे परेशान ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को शिकायत पत्र दिया। लेकिन सवाल फिर वही खड़ा हो जाता है, प्रशासन की उदासीनता के कारण कहीं ना कहीं यहाँ पर एक बड़े हादसे को दावत दिया जा रहा है। ग्रामीण बेहद परेशान हैं, यहाँ तक कि
आपको बता दें कि पत्थरों को खोदकर जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ चोटी थी उन्हें उतनी ही गहराई तक दफन कर दिया है, लेकिन प्रशासन मौन है। सवाल कहीं ना कहीं खनन विभाग पर भी खड़े हो रहे हैं, सवाल कहीं ना कहीं एनजीटी को देखते हुए प्रदूषण विभाग पर भी खड़े हो रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि जिले में बैठे विभिन्न जिम्मेदार विभागों के जिलेलाही मौन हैं। अब सवाल ये है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार भ्रष्टाचार और अवैध काम करने वालों पर कार्रवाई करने का दावा कर रहे हैं, लेकिन झांसी की बात करें तो झांसी में कहीं ना कहीं इन दावों पर प्रशासनिक अधिकारी पलीता लगाते नजर आ रहे हैं, जिसकी तस्वीर गरौठा से लेकर जिले में किनेसरों पर हो रहे अवैध खनन से साफ हो जाता है। इसके साथ ही हम जिले में और भी जो क्रेशर हैं उन पर हो रहे खनन की तस्वीर दिखाएंगे। फिलहाल इस विशेष रिपोर्ट में देखिए हमारे साथ और देखते रहिए तमाम जिले की वो अवैध खनन से जुड़ी खबरें। धीरेन्द्र रायगवार, न्यूज़ 30 टीम, झांसी।